जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक्टर पार्थ समथान फिलहाल टीवी इंडस्ट्री से दूर ही हैं और उनका जल्द ही नया शो मैं हीरो बोल रहा हूँ रिलीज होने जा रहा है। पार्थ पिछले कई महीनों से अपने इसी प्रोजेक्ट में बिजी चल रहे हैं, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जो पार्थ एकता के इतने करीब हुआ करते थे, क्या एकता कपूर अपने उसी फेवरेट स्टार से नाराज चल रही हैं? क्या कसौटी से नाता तोड़ने की वजह से पार्थ से अब तक नाराज हैं एकता कपूर? जी हाँ, आपको याद ही होगा कि जब साल 2020 में कोरोना का हड़कंप देश में बुरी तरह मचा हुआ था, उस दौरान पार्थ भी खुद इसी बीमारी के चपेट में आ पहुंचे थे। कोरोना से उबरने के बाद पार्थ ने धीरे धीरे एकता के फेवरेट शो कसौटी से भी दूरी बना ली थी। उन्होंने सेट पर आना बंद कर दिया था और फिर अचानक से खबर सामने आई कि पार्थ इस शो को छोड़ रहे हैं। और पार्थ के इस फैसले के बाद ही कसौटी जिंदगी की टू को अब्रप्टली बंद करने का फैसला भी लिया गया था। ऐसे में क्या जिस तरह से पार्थ की वजह से इस शो को बंद कर दिया गया, क्या उसी की नाराजगी, उसी का मलाल अब भी एकता के दिल में है? ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि अब पार्थ समथान का वो शो रिलीज होने की कगार पर है जिसके लिए उन्होंने कसौटी को छोड़ने का फैसला किया था। और उसी दौरान पार्थ ने मैं हीरो बोल रहा हूँ की शूटिंग भी शुरू की थी। आपको बता दें कि मैं हीरो बोल रहा हूँ भी एकता कपूर के ही प्रोडक्शन तले बनने वाला शो है। ऐसे में एकता इस शो को बंद तो नहीं कर सकती थी और अब ये शो पूरी तरह से रिलीज के लिए भी तैयार हो चुका है और ये वेब शो 20 अप्रैल को रिलीज होने भी जा रहा है। लेकिन एकता इस शो को और ना ही पार्थ समथान को उस तरह से प्रमोट कर रही है जैसा कि वो अपने बाकी शोज और वेब सीरीज को किया करती है। अगर आप इस शो से जुड़े एकता के प्रमोशन पर नजर डालेंगे तो एकता पार्थ के बजाय इस शो में काम करने वाले दूसरे एक्टर अरसलान गोनी को प्रमोट कर रही हैं। एकता ने अपनी स्टोरी पर अरसलान का शो से एक छोटा सा वीडियो भी शेयर किया है और बाकायदा उन्हें टैग भी किया है। अपनी स्टोरी में एकता ने पार्थ को बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया बल्कि वो इस शो में लीड एक्टर हैं। ऐसे में सवाल उठ खड़े हुए हैं कि ऐसा क्या हो गया कि एकता पार्थ को लेकर प्रमोशन बिल्कुल भी नहीं कर रही। एकता जिस तरह से अपने हर प्रोजेक्ट को बढ़ चढ़कर प्रमोट करती हैं, अपने स्टार्स की तारीफें करती हैं, उन्हें पैम्पर करती हैं, वो बात पार्थ को लेकर बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। हालांकि ये भी हो सकता है कि एकता इस शो के रिलीज होने के बाद इसे जमकर प्रमोट भी करे, क्योंकि देखा जाए तो ये शो है तो एकता का ही शो और वो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगी कि इस शो पर किसी भी तरह के संकट के बादल मंडराए। वो भी जरूर चाहेंगी कि ये शो भी सक्सेसफुल ही रहे। लेकिन एकता जिस तरह से अपने बाकी के प्रोजेक्ट्स के प्रमोशन जी जान से जुटते हैं, ऐसे में पार्ट से इस शो से उनका दूरी बनाए रखना ही सवाल खड़े कर रहा है कि क्या वाकई एकता के दिल में पार्थ को लेकर किसी तरह की कोई कसक है। वेल, आपको क्या लगता है? शेयर कीजिए अपनी भी ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में।